हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन ने एक निर्णय लिया है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम का ड्राइवर यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, ड्राइवर यूनियन के जो सदस्य हैं, वो एक दिन की सैलरी जो है आपदा प्रबंधन राहत कोष में देने की घोषणा करते हैं। अगर आपको याद हो तो ये वही लोग हैं जो कुछ दिन पहले सैलरी के लिए तड़प रहे थे। इन्हें इनका वेतन लेट मिल रहा था और परिवार चलाने के लिए सरकार से वक्त पर सैलरी देने की गुहार लगा रहे थे। लेकिन अभी यही लोग सबसे पहले तब लोगों की मदद के लिए आगे हैं जब प्रदेश पर कुदरत विपता पड़ी है। दरअसल HRTC यानी हिमाचल पथ परिवहन निगम यूनियन के चालकों और परिचालकों ने अपना एक दिन का वेतन आपदा राहत कोष में देने का फैसला किया है। यूनियन का कहना है कि वे संकट की इस घड़ी में प्रभावितों और प्रदेश के साथ खड़े हैं। 3-4 दिनों से हिमाचल प्रदेश में ही नहीं पूरे प्रदेश पूरे देश में भारी बारिश हो रही है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। मंडी क्षेत्र में हमारे कम से कम 100-150 साल पुराने पुल जो है हमारे ढह गए। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा नुकसान जो हिमाचल प्रदेश में हुआ है, उसके एवज में आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस दुख की घड़ी में हम सरकार प्रदेश सरकार के साथ खड़े हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन ने एक निर्णय लिया है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम का ड्राइवर यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, ड्राइवर यूनियन के जो सदस्य हैं, वो एक दिन की सैलरी जो है आपदा प्रबंधन राहत कोष में देने की घोषणा करते हैं। और मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के खासकर ड्राइवर वर्ग से कि भारी बरसात होने के कारण जहाँ लगता है ड्राइवरों को जहाँ लगता है कि गाड़ी नहीं निकलती है वहाँ गाड़ी ना डाली जाए। मैं प्रदेश की जनता से और देश की जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि वो खड्डों के किनारे नदी नालों के किनारे ना जाएं, क्योंकि अभी भी बारिश लगी हुई है और जिससे कि हिमाचल प्रदेश का और हिमाचल प्रदेश के वासियों का कोई नुकसान हो। मैं सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर यूनियन की तरफ से, मैं ड्राइवर यूनियन का नेतृत्व करते हैं, लगभग 4,000 ड्राइवर जो है HRTC ड्राइवर यूनियन में है। 4,000 ड्राइवर में से कुछ छिटपुट होंगे जो अदर यूनियन में होंगे, बाकी ड्राइवर यूनियन के साथ हैं। ड्राइवर यूनियन के जितने पदाधिकारी और जितने सदस्य हैं वो हिमाचल पथ परिवहन निगम के ड्राइवर और ड्राइवर यूनियन के सदस्य और ड्राइवर यूनियन के पदाधिकारी, वो एक दिन की सैलरी आपदा प्रबंधन राहत कोष में देने की घोषणा करते हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में कुदरती आपदा ने कहर बरपाया है, भारी बारिश से भारी तबाही हुई है। ऐसे में कई लोग तो बेघर हो गए हैं और इस तरह से प्रदेश का हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.केसरी।